जय माता दी। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी गुरु के गोचर के प्रभाव के बारे में। अब आप कहेंगे गुरु का गोचर तो है नहीं, लेकिन गुरु ने 1 मई को आपके यहाँ 8th हाउस में प्रवेश किया था और अब 20 अगस्त को, आने वाली 20 अगस्त को गुरु के नक्षत्र का परिवर्तन होगा। और गुरु का या किसी भी ग्रह का कोई भी परिवर्तन क्यों ना हो, चाहे वो राशि बदले, अस्त हो, मार्गी हो, उदय हो या फिर वक्री हो या उसका नक्षत्र परिवर्तन हो, तो ये हर एक तरह के प्रभाव देने में सक्षम होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तुला राशि के लोगों के लिए गुरु के नक्षत्र के परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अब देखिए, गुरु जो है 1 मई को आपके 8th हाउस में आए थे, जो 8वां घर होता है उसमें प्रवेश किया था, और अब आने वाले 20 अगस्त को ये गुरु नक्षत्र बदलेंगे। अभी तो गुरु चल रहे हैं रोहिणी नक्षत्र और 31 जुलाई को गुरु रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जाएंगे, लेकिन 20 अगस्त को ये मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, मृगशिरा नक्षत्र, ये जो नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में से पांचवें नंबर पर आता है और ये मंगल का, जो मंगल देव है, योद्धा ग्रह है, उनका ये नक्षत्र होता है। कब तक रहेंगे? 28 नवंबर तक, 20 अगस्त से 28 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो जो मंगल ग्रह के नक्षत्र में आए हैं, यानी कि मंगल का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह जाता है तो उसका भी प्रभाव आपको साथ में देखने को मिलता है। तुला राशि के लोगों के लिए जो 1 मई से गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में हुआ था, ये कुछ चीजों के लिए अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर रहा था, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो या अचानक से होने वाली घटनाएं हो। और कुछ ऐसी भी चीजें थी जिनमें आपको लाभ भी देखने को मिल रहा था, मेहनत आपको जरूर ज्यादा करनी पड़ रही थी, लेकिन आपको अचानक से चीजों में बदलाव, बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में इस समय देखने को आपको मिले होंगे। लेकिन अभी जो समय है, अभी जो नक्षत्र बदला है, तो देखिए यहाँ गुरु को अगर आप देखें आपकी कुंडली में, तो गुरु आपके कौन से भाव के स्वामी होते हैं? आपके 3rd हाउस के स्वामी है। 3rd हाउस छोटे भाई बहन का, छोटी यात्राओं का और आपके हार्ड वर्क को दिखाता है, आपकी मेहनत को दिखाता है, और साथ में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दिखाता है। और साथ में जो गुरु ग्रह है वो और कौन से भाव के स्वामी है? 6ठे घर के स्वामी है। 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव है रोग रिपोर्टेड, यानी कर्जा भी है आपके, जो एक प्रतियोगिता होती है, जो कंपटीशन की भावना होती है वो भी यही है, सेवा का भाव भी यही है, रोग का भाव भी यही है। और आए हैं आपके 8th हाउस में। 8th हाउस किस चीज के लिए जाना जाता है? देखिए 8th हाउस अच्छा नहीं होता, 6, 8, 12 इन 3 घर को अच्छा नहीं माना जाता। 8th हाउस जो है वो अचानक से होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, सडनली जो क्रिएट हुआ, जो हमने सोचा ही ना तो वो अचानक से हो जाए, आकस्मिक घटनाएं, ये जीवन में अच्छी भी हो सकती है, ये जीवन में बुरी भी हो सकती है। लेकिन गुरु ग्रह को अगर आप देखें तो गुरु एक ऐसे ग्रह है, गुरु क्या है? ज्ञान के देवता। गुरु को गुरु की उपाधि दी गई है, हर कुंडली के लिए गुरु वही काम करते हैं, हर एक चीज को, पूरी कुंडली को मैनेज करके रखना, अपनी शुभ, अपनी पवित्रता पूरी कुंडली को देखकर रखना, ये गुरु का काम होता है। अब गुरु जब अष्टम भाव, जो कि अच्छा भाव नहीं कहा जाता, लेकिन जब गुरु यहाँ भी आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली को एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं, चीजों में राहत देने का काम करते हैं। जो बाकी ग्रह यहाँ बैठे, अगर पापी ग्रह यहाँ बैठे, वो आपको नुकसान ज्यादा देंगे, लेकिन जब गुरु यहाँ बैठेंगे तो चीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, यानी पूरी तरीके से तो नहीं रोक सकते लेकिन उनको कम कर देते हैं। अब ये यहाँ से देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की पहली दृष्टि जाती है आपके 12th हाउस पर, दूसरी दृष्टि जाती है आपके 2nd हाउस पर, जो कि धन का भाव है, वाणी का भाव है, और आपके जो 7वीं दृष्टि है ये, और आपकी 9वीं दृष्टि यहाँ जाती है आपके 10th, आपके 4th घर पर। अब मंगल के नक्षत्र में गए हैं। मंगल क्या है? योद्धा है। मंगल एक योद्धा ग्रह कहे जाते हैं, सेनापति है ना मंगल, तो उनको युद्ध करना बड़ा पसंद है, लड़ाई झगड़े उनको बड़ा पसंद है, उनके अंदर क्या उग्रता है, उनके अंदर उतावलापन है, योद्धा के रूप में व्यक्ति को आगे करता है वो। ये जितने भी सेना से जुड़े लोग होंगे ना, इनके लिए मंगल बहुत ज्यादा
पॉजिटिव रहता है, कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होती है। अब मंगल के नक्षत्र में गए हैं तो मंगल का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अब मंगल को अगर आप अपनी कुंडली में देखें तो देखिए मंगल किस किस भाव के स्वामी है। आपके धन भाव के स्वामी है, धन भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव भी वही होता है, और ये सीधी दृष्टि गुरु की आपके धन भाव पर भी पड़ रही है। इसके अलावा आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं। सप्तम भाव क्या है? व्यापार का है। सप्तम भाव जीवन साथी का, पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप चाहे बिजनेस में हो चाहे आपके निजी जीवन में हो, यानी कि वैवाहिक जीवन, विवाह का भाव भी यही होता है और व्यापार का भी यही भाव है, तो इसके भी स्वामी है। अब यहाँ स्थितियां क्या बनने वाली है, थोड़ा हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में गए हैं तो हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि जहां आप देखिए सावधानी नहीं रखते हैं वहां तो दुर्घटना हो ही जाती है। ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। अचानक से बदलाव की स्थितियां भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगी, व्यापार के सिलसिले में भी। व्यापार भाव का स्वामी और वैवाहिक जीवन का स्वामी एक ही है और उसके स्वामी के नक्षत्र में गए हैं, साथ में यहाँ तीसरे और छठे भाव के स्वामी भी है यहाँ, तो यहाँ एक तो कर्जा लेने से थोड़ा सा बचें, कर्जा ना लें, अवॉइड करें कर्जे लेने को, इतना लें जितना आप चुका सके। एक होता है ना जरूरत से ज्यादा ले लेना, उसमें आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, उसको ना लें। बाकी आपके करियर के लिए मैं कहूंगी अच्छा रहेगा, विदेश जाने के लिए अच्छा रहेगा। विदेश भाव ये 12वां भाव भी होता है और यहाँ गुरु की पंचम दृष्टि है तो विदेश जाने के चांसेस भी देगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, अपनी स्टडी पूरी करने के लिए विदेश जा सकते हैं और व्यापार के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, और या फिर विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो वहां भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये 12वां भाव जो है ये इन्वेस्टमेंट का भी होता है। इन्वेस्टमेंट करेंगे सोच समझ कर करें, उतावलापन ना दिखाएं। मंगल उतावलापन दिखाता है, उतावलापन ना दिखाएं। बदलाव के चांसेस मिलेंगे, बदलाव का योग आपके लिए जरूर बनेगा। और मैं यहाँ कह दूं आपके भाई बहन बहुत सपोर्टिव होने वाले हैं आपके लिए, आप बेहद हार्ड वर्किंग होंगे। यहां से आपकी जो सीधी दृष्टि है गुरु की वो मंगल की घर पर पड़ रही है और मंगल के ही उसमें नक्षत्र में इनका प्रवेश हुआ है गुरु का, तो क्या होगा, जल्दबाजी ना दिखाएं पैसे को कमाने में, किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें। परिवार के साथ वैसे तो बॉन्डिंग अच्छी रहेगी लेकिन उग्रता आ सकती है, क्योंकि मंगल क्रोध भी दिखाते हैं, मंगल क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, तो थोड़ा सा वाणी में सौम्यता बनाकर रखें। वाणी में कर्कशता आ सकती है, एक होता है ना कि आप बोलना कुछ चाह रहे हैं सामने वाले को समझ कुछ और आया, यानी कि उसने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल दिया, तो थोड़ा सा सौम्यता रखेंगे जब भी परिवार के लोगों के साथ बात करेंगे। धन की स्थिति में भी कोई मीटिंग वगैरह करते हैं तब भी आपको थोड़ी सी सौम्यता रखनी होगी, थोड़ा सा उतावलापन नहीं दिखाना है, उतावलेपन से दूरी बनाकर रखनी है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो अच्छी स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। धन के मामले में अच्छा है, सेहत को थोड़ा राहत देते हुए ये जरूर महसूस होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई चांस नहीं लेना है, कोई भी ऐसा नहीं करना है कि हेल्थ खराब हुई और आपने उसको इग्नोर कर दिया, ये नहीं करना है। बिजनेस में बदलाव होते हुए भी यहाँ दिखाई देंगे आपके लिए, बिजनेस में बदलाव होंगे, आप जॉब के लिए जा सकते हैं, जॉब करने वाले बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं, ऐसी भी स्थितियां यहाँ बन सकती हैं। और यहाँ मैं कहूंगी कि जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है स्थितियां थोड़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं, क्योंकि नौकरी का भाव ये होता है, नौकरी का भाव ये है और इस भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी यहाँ गए हैं आपके अष्टम भाव में, तो नौकरी में चांसेस भी हो सकते हैं, एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पर आप जाना चाहें, इस तरह के बदलाव भी हो सकते हैं। अब अगर देखिए यहाँ व्यापार की मैं बात करूं तो व्यापार के लिए ठीक ठाक समय रहेगा और पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाकर चले, क्योंकि वही द्वंद ना हो जाए, बातें एक दूसरे से बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अगर रिश्तों के बारे में देखा जाए तो आपका जो निजी जीवन रहेगा, निजी जीवन के मामले में ठीक है, ऐसे कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक ठाक रहने वाली है निजी जीवन के मामले में भी, और परिवार के बीच में बॉन्ड भी अच्छा रहेगा। और यहाँ से सीधी दृष्टि देखिए, यहाँ से जो नवम दृष्टि है गुरु की वो जा रही है आपके चौथे घर पर, जो कि शनि का घर है, चौथे घर पर जा रही है, तो भूमि भवन के भी खर्चे होने वाले हैं। खर्चे का मतलब है कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, किसी भूमि भवन पर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। पेपर्स को अच्छे से जांच परख जरूर लें, पेपर्स पर अच्छे से काम करना है आपको। माता के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, भूमि भवन का सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वाहन का सुख भी मिलता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी सावधानी से सारे काम आपके सफल होंगे।
उपाय जान लेते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो देखिए, उपाय के तौर पर एक तो आप जो गुरु बृहस्पति हैं उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, सबसे उपयुक्त तो वही उपाय आपके लिए है। और साथ में गुरु की, देखिए गुरु विवाह के कारक भी होते हैं, धन के कारक भी होते हैं, संतान के कारक भी होते हैं। संतान के लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा, और विवाह के लिए, विवाह के योग भी आपके जो नवंबर के बाद जब गुरु वक्री होंगे तब स्थितियों में जरूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिलहाल आप गुरु का जो बीज मंत्र है उसका जाप आप जरूर करें, क्योंकि तो वो बहुत पावरफुल है, और उसको आप मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। जो जो नेगेटिविटी है, जो मंगल उग्रता लेकर आएंगे उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। और मंगल के लिए एक उपाय कर सकते हैं आप, मंगल के लिए आप लाल जो गुड़ होता है गुड़ का दान करें, या लाल मसूर का भी दान कर सकते हैं अगर आपने कर्जा वगैरह ले रखा है तो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय माता दी।